नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसजी न्यूज। मैं हूं सफदर अदील फ्रॉम द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इंडिया। पेश करता हूं आज के मुख्य समाचार। दक्षिण कोरिया में 1 से 12 अगस्त 2023 तक होने वाली 25वीं वर्ल्ड स्काउट जंबूरी में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 388 सदस्य भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के सदस्यों द्वारा 1 अगस्त को पूरे भारत वर्ष में विश्व स्काउट स्काफ दिवस मनाया गया। हरियाणा राज्य द्वारा 25 से 28 जुलाई 2023 तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र अंबाला कैंट में 120 बुलबुलों के साथ हीरक पंख परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे के रायगढ़ जिले द्वारा 29 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 25 से 29 जुलाई 2023 तक गाइडों के लिए राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर 25 से 29 जुलाई 2023 राज्य प्रशिक्षण केंद्र झांकी वीके में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय तृतीय सोपान निपुण परीक्षण शिविर क्रमांश 25 से 29 जुलाई 2023 और 28 से 31 जुलाई 2023 तक विभिन्न स्थानों पर 878 उम्मीदवारों के साथ आयोजित किया गया। जिला संघ कांकेर में छत्तीसगढ़ राज्य एवं यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 31/7/2023 को 50 स्काउट और गाइड्स एवं लीडर्स के साथ यूथ प्रोग्राम युवा वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य द्वारा राष्ट्रपति स्काउट गाइड रेंजर्स और रोवर्स के लिए राज्य स्तरीय परीक्षण शिविर क्रमांश 27 से 31 जुलाई तक DTC अजमेर, DTC बीकानेर एवं 299 उम्मीदवारों के साथ आयोजित किया गया। कांचरापाड़ा जिला पूर्वी रेलवे द्वारा 28 जुलाई 2023 को विवेकानंद ग्रुप परिसर में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। माउंट कार्मेल स्कूल भागलपुर के 25 स्काउट्स और गाइड्स ने 26 जुलाई 2023 को एक पर्यावरण संरक्षण पहल में भाग लिया। जहानंदन के सदस्यों द्वारा 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के अदरा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने 21 जुलाई 2023 को DHQ अदरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। अब समाचार विस्तार से। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट वूज्म द्वारा हर 4 साल में एक बार जंबूरी का आयोजन किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह युवाओं के बीच शांति, समझ और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के हजारों युवाओं को एक साथ लाता है। भारत स्काउट्स और गाइड्स के 388 स्काउट्स, गाइड्स और लीडर्स का एक ग्रुप 1 से 12 अगस्त 2023 तक दक्षिण कोरिया में 25वें विश्व स्काउट जंबूरी में भाग ले रहा है। मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल, निदेशक BSG और एक टीम के साथ इस आयोजन में कई पदाधिकारी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। श्री मधुसूदन आवाला, अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय आयुक्त स्काउट्स, भारतीय दल के प्रमुख के रूप में दल का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को आशीर्वाद दिया। पूरे विश्व में हर वर्ष हम 1 अगस्त को स्काफ दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त को स्काफ दिवस का उद्देश्य यह है कि सभी सक्रिय और पूर्व स्काउट गाइड स्काउटिंग और गाइडिंग की भावना को प्रकट करने के लिए सार्वजनिक रूप से अपने स्काफ पहनेंगे और वंस ए स्काउट ऑलवेज ए स्काउट को याद करेंगे। यह तारीख हमें 1907 में ब्राउनसी द्वीप पर आयोजित पहले स्काउट शिविर की याद दिलाती है। भारत स्काउट्स और गाइड्स के सदस्यों ने स्काफ प्रोजेक्शन BSG में शामिल होने के लिए जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण रैली, स्काउट प्रतिज्ञा करना जैसी विभिन्न गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर स्काफ दिवस मनाया। हरियाणा राज्य ने 25 से 28 जुलाई तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र अंबाला कैंट में हीरक पंख परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस परीक्षण शिविर में 10 जिलों से 120 बुलबुलों ने भाग लिया। बुलबुल ने झंडा गीत, BP6, बुलबुल प्रार्थना, प्राथमिक चिकित्सा, बुलबुल पेड़, रिंग गीत, सिक्सर्स गीत, ड्राइंग, पेंटिंग आदि गतिविधियों में भाग लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिट स्काउट्स और रानी लक्ष्मीबाई गाइड्स यूनिट रायगढ़ जिला महाराष्ट्र के 120 स्काउट्स और गाइड्स 28 जुलाई 2023 को नागोथाने में रिलायंस फाउंडेशन स्कूल के मैदान में
एक वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिए एक साथ आए। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल नागोथाने ने पर्यावरण के प्रति जागरूक पीढ़ी को संवारने के अपने संकल्प को जारी रखा है, जो हरियाली के द्वारा हम सब के लिए बेहतर भविष्य बना सके। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल ने जिला मुख्य आयुक्त और अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक O&A श्री मनोज कुमार जैन के निर्देशन में वृक्षारोपण गतिविधि का आयोजन जिला मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र कोटा में दिनांक 29/7/2023 को किया, जिसमें 70 कब्स, बुलबुलों, स्काउट्स, गाइड्स, रोवर रेंजर्स और लीडर्स ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ राज्य ने 25 से 29 जुलाई 2023 तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र झांकी वीके अभनपुर जिला रायपुर में गाइडों के लिए राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें बिलासपुर और सरगुंजा संभाग से 154 गाइड सम्मिलित हुई। जिला स्तरीय तृतीय सोपान एवं निपुण परीक्षण शिविर 25 से 29 जुलाई 2023 एवं 28 से 31 जुलाई 2023 तक राजनांद गांव, धमतरी, अमलिदी आदि में आयोजित किए गए। राज्य आयोजन समिति की देखरेख में परीक्षण शिविर में 724 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने भाग लिया। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य एवं यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 31/7/2023 को जिला संघ कांगेर में यूथ टॉक प्रोग्राम युवा वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 50 स्काउट्स और गाइड्स लीडर्स ने भाग लिया। राजस्थान राज्य ने अजमेर, बनीपार, जयपुर और बीकानेर में 27 से 31 जुलाई 2023 तक राष्ट्रपति स्काउट्स, गाइड्स और रेंजर्स और रोवर्स प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए राज्य स्तरीय परीक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें 153 स्काउट्स, 51 गाइड्स, 42 रेंजर्स और 53 रोवर्स उम्मीदवारों ने भाग लिया। 28 जुलाई 2023 को कांचरापाड़ा जिला एसोसिएशन पूर्वी रेलवे द्वारा विवेकानंद ग्रुप परिसर में एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना और नियमित नेत्र जांच को बढ़ावा देना था। यह बेलगढ़िया पश्चिम जन कल्याण सेवा समिति के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास था। जिला अधिकारियों की उपस्थिति में भारत स्काउट्स और गाइड्स के कुशल अधिकारियों और स्वयं सेवकों ने इस नेत्र जांच शिविर में भाग लिया। इस नेत्र शिविर में 87 स्थानीय लोग लाभान्वित हुए। 26 जुलाई 2023 को माउंट कार्मेल स्कूल भागलपुर के 25 स्काउट्स और गाइड्स ने एक पर्यावरण संरक्षण पहल वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना और उन्हें पर्यावरण और इसके संरक्षण के बारे में शिक्षित करना था। बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के सदस्यों ने 26 जुलाई 2023 को पंडित यदुनंदन शर्मा सेवा आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित कारगिल दिवस मनाया। उन्होंने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए क्षेत्र में कैंडल मार्च का आयोजन किया। 21 जुलाई 2023 को दक्षिण पूर्व रेलवे राज्य अदरा जिला एसोसिएशन के सदस्यों ने DHQ अदरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। यूनिट लीडरों की देखरेख में स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने वृक्षों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की। BSG प्रतिनिधि मंडल 24 से 31 जुलाई 2023 तक निकोसिया साइप्रस में आयोजित 38वें विश्व सम्मेलन से लौटा। कदियाली ओपन यूनिट कर्नाटक राज्य सुश्री शर्मिन बानू रेंजर को समुदाय के लिए उत्कृष्ट सेवा की मान्यता में ओलिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्पना चावला महाराष्ट्र की इकाई सुश्री ममता मोरेस को समुदाय में उनके काम के लिए मान्यता प्रमाण पत्र मिला और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को संस्थापक सदस्य वैगस के रूप में शताब्दी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हर रविवार रात 8 बजे और 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और BSG न्यूज के हर एक वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के हर एक राज्य में हो रही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी उन तक पहुंच सके। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि bsgindia.org पर जाएं। धन्यवाद।